जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द सरकारी जॉब। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं टॉप 250 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर 2023 के एमसीक्यू। यह क्लास आपके एनसीएल के एग्जाम, इसी के साथ साथ अगर आप 2023 की किसी भी स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम या सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। खासकर यह क्लास उन स्टूडेंट को इम्पॉर्टेंट रहेगी जो एनसीएल की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और इसी के साथ में आपके पास 8 से 10 दिन बचे हुए, इस 10 दिनों में हम आपके लिए 10 मैराथन क्लासेस लेकर आएंगे, जिसमें हर टॉपिक पे आपको क्लासेस मिलती रहेगी। वीडियो अच्छा लगता है, क्लास आपको हेल्पफुल लगती है, वीडियो को लाइक कीजिए। सभी लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आप चैनल से पहली बार विजिट कर रहे हो, पहली बार चैनल पर आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो 2 मिनट का समय निकाल के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पूरी पेशेंस के साथ पूरी क्लास को देखिए, आपको यहाँ से बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि आपको एनसीएल के एग्जाम में भी लगभग 8 से 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो करेंट अफेयर के रहेंगे। और मेरा पूरा यहाँ पर कोशिश है कि आपका यहाँ से क्वेश्चन बाहर न जाए। तो चलिए क्वेश्चनों को करते स्टार्ट। वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा, आपको वीडियो कैसा लगा, यह क्लास आपके लिए हेल्पफुल रही या नहीं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस राज्य ने राजस्व पुलिस व्यवस्था को खत्म करने का फैसला किया है। देखिए, उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जिसने राजस्व पुलिस व्यवस्था को खत्म करने का फैसला किया। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। हम रैपिड फायर यहाँ पर क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे ताकि कम समय में आपके पूरे क्वेश्चन जो है क्लियर हो जाए, पूरे क्वेश्चन यहाँ पर कवर अप हो जाए। नेक्स्ट, भारत के पेयजल और स्वच्छता के वर्तमान मंत्री कौन है। तो गजेंद्र सिंह शेखावत, देखिए यहाँ पर गजेंद्र सिंह शेखावत जो है यह पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय इन्हीं के पास है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे ऊंची युद्ध क्षेत्र सियाचिन में तैनात होने वाली पहली अधिकारी कौन बन गई है। तो पहली महिला अधिकारी बन गई है और वह बन गई है आपकी शिवा चौहान। कौन बन गई है? शिवा चौहान बन गई है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक परिवार दिवस 2023 कब मनाया गया। वैश्विक परिवार दिवस 2023 मनाया गया है आपका 1 जनवरी को। ऑप्शन नंबर डी यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा हाइड्रोजन संचालित ट्रेन शुरू करने वाला एशिया का पहला देश बन गया है। हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन चलाने वाला एशिया का पहला देश चीन बन गया है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का बौद्ध विश्वविद्यालय धम्म दीपा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, जिसका शॉर्ट फॉर्म रहेगा आपका DDIUBU, कहाँ बनाया जाएगा। तो भारत का पहला बौद्ध विश्वविद्यालय या धम्म विश्वविद्यालय जो बनाया जाएगा, वह बनाया जाएगा आपका त्रिपुरा में। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2023 को किसने शुरू किया है। कैच द रेन अभियान को शुरू किया है भारत की राष्ट्रपति, भारत की तत्काल राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू है। अगर इन्हीं के बारे में बात कही जाए तो द्रौपदी मुर्मू भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति है। और एक पॉइंट यहाँ से बनता है कि भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति कौन है, तो वह भी द्रौपदी मुर्मू है। इतनी बातें इस क्वेश्चन के बारे में आपको ध्यान में रखनी है, क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चंद्रयान 3 से आपको जो चंद्रमा पर मिशन लॉन्च किया गया था, चंद्रयान 3, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन बनेंगे। यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, चंद्रयान मिशन 3 को कब लॉन्च किया गया था। तो इसको लॉन्च किया था आपके 14 जुलाई को, यह लॉन्चिंग डेट है, ध्यान में रखिएगा। और आपको अगर डेट के बारे में पूछता है तो लॉन्चिंग डेट ही पूछी जाएगी, जो कि फिक्स थी, 14 जुलाई को यहाँ पर लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे लंबा क्रूज कहाँ लॉन्च किया जाएगा। तो दुनिया का सबसे लंबा क्रूज लॉन्च किया जाएगा आपका भारत में, तो बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दुनिया का सबसे लंबा क्रूज कहाँ लॉन्च किया जाएगा? भारत में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछा गया है, निम्न में से किस राज्य में दुनिया के पहले ताड़ के पत्ते का पांडुलिपि संग्रहालय शुरू किया गया है। तो यह किया गया है केरल में, सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन अगर बनता है कि पहला पांडुलिपि संग्रहालय कहाँ है, तो यह केरला, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकारी विभागों में 2030 तक 100% इलेक्ट्रिक वाहन EVS को शामिल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है। करेक्ट आंसर रहेगा उत्तर प्रदेश बनेगा। जी हाँ, ध्यान में रखिए, 2030 तक यह बनेगा, अभी बना नहीं है, जिसके कि जो सरकारी विभाग होंगे यहाँ पर टोटल जो वाहन होंगे वह इलेक्ट्रिक वाहन होंगे, ऐसा राज्य रहेगा उत्तर प्रदेश, यह लक्ष्य रखा गया है गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट है, भारत का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थयात्रा गलियारा कहाँ पर बनाया जाएगा। तो सबसे ज़्यादा देखिए कहाँ पर होते हैं तीर्थ, वह थे उत्तराखंड में, तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा,
पहला इलेक्ट्रिक तीर्थयात्रा गलियारा उत्तराखंड में मनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपका, इसमें आपसे पूछा गया है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा यह, जालना और नागपुर पुलिस को सर्वश्रेष्ठ पुलिस इकाई से सम्मानित किया गया है, यह दोनों किस राज्य से संबंधित है? तो यह महाराष्ट्र से संबंधित है। आपको यहाँ पर नागपुर दिख गया होगा, नागपुर क्या है, महाराष्ट्र में है, और जालना भी महाराष्ट्र में, तो रिलेट कर सकते हो आप, कौन सा राज्य हो सकता है, महाराष्ट्र हो सकता है। अगला क्वेश्चन देख लेते। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा राज्य पहली बार, क्या पूछा है इसमें, ध्यान से देखिए, निम्न में से कौन सा राज्य है जो पहली बार फार्मूला ई वर्ल्ड चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? किसकी मेजबानी पूछा है, फार्मूला ई वर्ल्ड चैंपियन की मेजबानी करेगा, और यह पहला राज्य, मतलब यह राज्य पहली बार कर रहा है, तो यह क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रह जाता है। तेलंगाना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पहली बार मेजबानी करेगा कौन, तेलंगाना, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 15, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए यह क्वेश्चन का आंसर आप सभी जानते होंगे। निम्न में से किस सॉन्ग्स ने बेस्ट सॉन्ग का गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023 जीता है? तो यह जीता है आपका सॉन्ग नाटू नाटू ने। तो गोल्डन ग्लोबल अवार्ड किसको मिला है, गोल्डन ग्लोब ग्लोबल अवार्ड मिला है आपके नाटू नाटू सॉन्ग को। फिल्म का नाम क्या था, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष बने हैं न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऋतुराज अवस्थी विधि आयोग के वर्तमान अध्यक्ष है। नेक्स्ट है आपका, स्विस एयर ट्रेकिंग इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर कौन बन गया है? तो यह बन गया है आपके दिल्ली को भी पीछे छोड़ के लाहौर। लाहौर कहाँ है, पाकिस्तान में। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अगर क्लास अच्छी लग रही हो, हेल्पफुल लग रही हो, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और साथ ही साथ अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, दिल्ली के पर्यावरण भवन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? दिल्ली के पर्यावरण भवन का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल अत्योदन भवन कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है, पंडित दीनदयाल अत्योदन भवन कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका, विदेश धरती पर होने वाले किसी भी हवाई युद्धाभ्यास में शामिल होने वाली देश की पहली महिला पायलट कौन बन गई है? तो देश की पहली ऐसी महिला पायलट है आपकी अवनी चतुर्वेदी, जो विदेश की धरती पर पहला युद्धाभ्यास होगा इसका, किसका, अवनी चतुर्वेदी का। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट है, और इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, अभी हाल ही में किस देश के अंतिम राजा, किस देश के अंतिम राजा कॉन्स्टेंटाइन द्वितीय का निधन हो गया है? तो यह राजा थे आपकी ग्रीस देश के, और यहाँ से क्या हुआ, इनका यह अंतिम राजा थे, तो राजा वाली प्रथा जो यहाँ से अब लगभग समाप्त हो जाएगी, और यह देश है आपका ग्रीस देश, कौन सा है, ग्रीस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट है, ऑनलाइन गेमिंग में भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो ऑनलाइन गेमिंग के मामले में भारत के पहले उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की जाएगी शिलोंग में, सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे प्रतिष्ठित गोल्डन पिकॉक, कौन सा अवार्ड की बात की जा रही है यहाँ पर, प्रतिष्ठित गोल्डन पिकॉक अवार्ड से सम्मानित किया गया है, और यह सम्मानित किया गया है जिंदल स्टील एंड पावर को, किसको किया गया है, जिंदल स्टील एंड पावर को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, वर्तमान में कैबिनेट मंत्री श्री पीयूष गोयल निम्न में से किस पोर्टफोलियो को संभाल रहे हैं? तो वर्तमान में जो कैबिनेट मंत्री है पीयूष गोयल, इनके पास कपड़ा मंत्रालय भी है, इन्हीं के साथ में वाणिज्य मंत्रालय और वाणिज्य उद्योग मंत्रालय है, उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय। तो डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रह जाएगा, ऑल ऑफ दिस जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, पीयूष गोयल के बारे में क्वेश्चन बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टाइम शेल्टर नामक उपन्यास निम्न में से, सॉरी क्या था आपका क्वेश्चन, टाइम शेल्टर नामक उपन्यास निम्न में से किसके द्वारा लिखा गया है? तो टाइम शेल्टर नामक उपन्यास लिखा गया है जॉर्जी गोस्पोंडियो के द्वारा, किसके द्वारा लिखा गया है, जॉर्जी गोस्पोंडियो के द्वारा लिखा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और किस देश के बीच नौसैनिक युद्धाभ्यास वरुण हुआ है? तो वरुण हमेशा फ्रांस के साथ होता है, क्वेश्चन अगर युद्धाभ्यास से बनता है तो वरुण अगर पूछा जाए तो इंडिया और फ्रांस के साथ होता है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से किस राज्य में सबसे गहराई पर स्थित मेट्रो स्टेशन बनाया जाएगा? तो यह बनाया जाएगा आपके महाराष्ट्र में, ये यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
2023 में किसे ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया है? तो ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया है रतन टाटा जी को, ये यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस देश के राष्ट्रपति को गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि के रूप में निमंत्रित किया गया था? तो यह निमंत्रित किया गया था मिस्र के राष्ट्रपति को, तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बनता है। अगला क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह, आदिवासियों को बुनियादी दस्तावेज उपलब्ध कराने वाला पहला जिला कौन सा बन गया है? वायनाड पहला जिला बन गया है। यहाँ से सांसद कौन है? यहाँ से सांसद है आपके कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी। कौन है? राहुल गांधी वायनाड से सांसद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर पुस्तक का नाम है आपको कलेक्टिव स्पिरिट कॉन्स्ट्रक्ट एक्शन नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? यह लिखी गई है शशि शेखर के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार लगाकर नोट कर लीजिएगा कि सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? यह दिया गया है ओडिशा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को और लुंगेलेई फायर स्टेशन को, तो यह सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन दोनों को, किसको? इन दोनों को मिला है, इसीलिए क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, भारत का पहला 3D मुद्रित डाकघर कहाँ पर खुलेगा? तो यह खुलेगा बेंगलुरु में। तो भारत का पहला 3D मुद्रित डाकघर खुलेगा बेंगलुरु में। बेंगलुरु कहाँ की राजधानी है? कर्नाटका की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया गया है? चंडीगढ़ में किया गया है, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तर भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर परियोजना का उद्घाटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष किसे नियुक्त किए गए? देखिए इसरो से क्वेश्चन आपको बनेंगे ही बनेंगे, क्योंकि अभी जस्ट आप सभी जानते होंगे चंद्रयान 3 आपका लॉन्च हुआ है और चंद्रयान 3 से आपके क्वेश्चन बनेंगे। इसरो के वर्तमान अध्यक्ष है आपके एस सोमनाथ जी, तो आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा एस सोमनाथ। इससे पहले कौन था? इससे पहले थे के सिवान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है, रेलवे का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? रेलवे का पुराना नाम था आपका रेलवे सुरक्षा बल, जिसको अब कर दिया गया है भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा, RPFS। क्या कर दिया गया है? भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा कर दिया गया है। नेक्स्ट है, भारत के पहले मॉडल G20 शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो यह किया गया है अमिताभ कांत के द्वारा, ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के पहले मॉडल G20 शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो यह किया गया है अमिताभ कांत के द्वारा। दोस्तों अगर आप NCL की बेहतर वे में प्रिपरेशन कर रहे हो तो मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, हमारे द्वारा जो बुक लॉन्च की गई थी जो कि आपकी ई बुक फॉर्म में थी, इसको पूरा मॉडिफाई करके आपको MCQ के आधार पर बना दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हो चित्र में जो आपको बुक दिखाई दे रही है, इसमें आपके सारे टॉपिक के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। जैसे कि आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिखाई देंगे डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन, एलिमेंट्री नॉलेज से संबंधित जो भी आपको क्वेश्चन बन सकते हैं, चाहे वो ब्रेकिंग सिस्टम हो, कूलिंग सिस्टम हो, सक्शन पावर, कॉम्प्रेस, एडजस्ट, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो, इसी के बाद में गवर्नर आदि से जो आपको क्वेश्चन बनते हैं, सारे क्वेश्चन इसमें आपको मिल जाएंगे। मतलब आपका एलिमेंट्री नॉलेज पूरा हो जाएगा। करेंट अफेयर के आपको यहाँ पर टॉप 350 क्वेश्चन प्लस है, 350 से ज़्यादा क्वेश्चन है जो कि सिलेक्टेड क्वेश्चन है 2023 के जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तीसरी चीज़, यहाँ पर आपको साइंस के भी क्वेश्चन मिल जाएंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट होता है आपका स्टैटिक GK, तो यहाँ पर आपको स्टैटिक GK के पूरे 1000 क्वेश्चन इंक्लूड किए गए हैं जो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, और इनको आप प्रैक्टिस कर सकते हो। मेन चीज़ तो वही है कि आपको यहाँ पर प्रैक्टिस करना है, क्वेश्चनों का रिविज़न करना है। आगे बात करें मोटर वाहन संबंधित जो क्वेश्चन आपको बनते हैं, मोटर वाहन अधिनियम, वह क्वेश्चन मिलेंगे, और इसी के साथ में जो ट्रैफिक रूल्स और ट्रैफिक चिन्ह होते हैं ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे। आगे अगर हम इसी के बारे में बात करें तो इसमें कुछ पोर्शन जो है MPGK के क्वेश्चनों का भी मिलेगा, क्योंकि आपको MPGK के भी क्वेश्चन बनेंगे। तो आपका यहाँ से जो GK वाला या जो जनरल अवेयरनेस वाला पोर्शन है लगभग पूरा कवरअप हो जाएगा, चाहे वो उसमें आपका एलिमेंट्री नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चन हो, या अदर हम बात कर ले तो आपका मोटर वाहन अधिनियम, ट्रैफिक चिन्ह एवं ट्रैफिक रूल से जो क्वेश्चन बन सकते हैं, इसी के बाद में इंजन से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं, स्टैटिक GK से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं, साइंस रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं, MPGK से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं, करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं। इन सभी क्वेश्चनों की ईबुक यह मात्र यहाँ पर आप देख सकते हो, इसका प्राइस था आपका 399, इसको हमने काफ़ी कम कर दिया गया है। यहाँ पर आप जैसे ही जाओगे फर्स्ट 252 स्टूडेंट को यहाँ पर यह जो प्राइस था 121 कितने में मिलेगा, 121 रुपये में आपको यह ई बुक मिल जाएगी, और इसमें आप क्वेश्चनों की बेहतर प्रैक्टिस कर पाओगे। देखिए आपके पास समय कम है,
इस आधार पे आप जितना ज़्यादा हो सके सेल्फ स्टडी पे ध्यान दीजिएगा, और इससे क्या होगा कि आपका जो है यहाँ से क्वेश्चनों की प्रैक्टिस हो जाएगी, रिवीजन हो जाएगा। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, आपकी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए सारी ई बुक को तैयार किया गया, आपका पूरा सिलेबस इसमें कवर किया गया। अगर आप इसको बॉय करना चाहते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी। मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, लगभग आपको 70 अंक, कितना 70 अंक यहाँ से आपके कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि 70 अंक आपको यहाँ से ही पूछा जाएगा। बात है मैथ्स और रीजनिंग की, तो इसके लिए आपको खुद प्रैक्टिस करना होगा, क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग उसके बारे में मैं आपके लिए वीडियो लाऊंगा नेक्स्ट क्लास में कि आपको कितने टॉपिक है जो मैथ्स और रीजनिंग के ही पढ़ना है। तो यह ई बुक जो है आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से इसमें इनरोल हो सकते हो। खास तौर पे जिनको क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करना है उनके लिए बुक बेस्ट रहने वाली है। चलिए हम हमारी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। अगला क्वेश्चन था अपना भारत, क्या था अपना क्वेश्चन कि अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस 2023 कब मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस 2023 मनाया गया है आपका 4 फरवरी को, ये यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रयान 3 अभियान भारत का चंद्रमा के लिए कौन सा मिशन होगा। तो चंद्रयान 3 अभियान भारत का चंद्रमा के लिए मिशन होगा तीसरा, तो यहाँ पर बी जो है आपका करेक्ट आंसर होगा, चंद्रयान 3 तीसरा मिशन है चंद्रमा के लिए। अगला क्वेश्चन है आपका, पहला ट्राई सर्विस युद्धाभ्यास कोकण शक्ति भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ है। कोकण शक्ति हुआ है आपके यूनाइटेड किंगडम के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले सेल वार्नमेंट्स टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया है। यह दिया गया है उस्मान ख्वाजा को, किसे दिया गया है, उस्मान ख्वाजा को दिया गया है, डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस 2023 कब मनाया गया है। विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस 2023 मनाया गया है 21 मार्च को, 21 मार्च को। अगला क्वेश्चन देखिए, गणतंत्र दिवस शिविर 2023 में निम्न में से किसने द्वारा प्रधानमंत्री का बैनर जीता गया है। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वह रहेगा आपका, महाराष्ट्र NCC के द्वारा जीता गया है, ये आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ध्यान में रखिएगा, IIRF MBA रैंकिंग 2023 के अनुसार निम्न में से किसने पहला स्थान प्राप्त किया है। इसके तहत पहला स्थान मिला है IIM अहमदाबाद को, ये आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, सेफ अंडर 20 महिला फुटबॉल चैंपियन का आयोजन किस देश में किया जा रहा है। देखिए सेफ अंडर 20 की बात कर रहे हैं, और इसके तहत महिला फुटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है बांग्लादेश में, आपका पड़ोसी देश बांग्लादेश यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछा गया है, पहली बार राष्ट्रीय बीच सारक चैंपियनशिप 2023 का खिताब निम्न में से किस राज्य ने जीता है। तो यह केरल ने जीता है और यह फर्स्ट बार जीता है, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, केरला। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट है खेलो इंडिया यूथ गेम। देखिए यहाँ से दो क्वेश्चन बनते हैं, एक बनता है आपका खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम और एक बनता है खेलो इंडिया यूथ गेम। तो खेलो इंडिया यूथ गेम है, यहाँ से आपको क्वेश्चन है कि खेलो इंडिया यूथ गेम में पहली बार शामिल किए गए वाटर स्पोर्ट में किस राज्य ने स्वर्ण पदक जीता है। तो इसके लिए आपका करेक्ट आंसर रहेगा मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, और यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, 100% संभावना है यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में बने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस टेनिस खिलाड़ी ने अपनी आत्मकथा क्रॉसकॉट का विमोचन किया गया है। यह आपके जयदीप मुखर्जी, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, जयदीप मुखर्जी। अगला क्वेश्चन, 2027 के फुटबॉल एशियाई कप की मेजबानी निम्न में से किस देश को सौंपी गई है। तो यह सौंपी गई है सऊदी अरब को, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए, भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश CJI कौन नियुक्त किए गए हैं। तो भारत के मुख्य चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बन गए हैं, वह है आपके धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, क्या है, DY चंद्रचूड़ आपका यह करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश है, क्रम को भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, काला घोड़ा महोत्सव के 2023वें संस्करण में किस शहर को शुरू हुआ है। सॉरी क्वेश्चन को थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, ध्यान में रखिएगा, काला घोड़ा महोत्सव के 23वें संस्करण निम्न में से किस शहर में शुरू हुआ है। तो यह हुआ है आपके मुंबई में, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, काला घोड़ा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, मुंबई में मनाया जाता है। दोस्तों आपके लिए यहाँ पर एक मोटिवेशन कोड है कि लोहे को कोई ख़राब नहीं कर सकता,
पर उसका खुद का जंग उसे खराब कर देता है। इसी तरह इंसान को कोई बर्बाद नहीं कर सकता, इंसान का खुद का दिमाग उसे बर्बाद कर देता है। पेशेंस बना के आप पूरी क्लास को वॉच कीजिए, क्योंकि यहाँ से आपको लगभग 8 से 10 क्वेश्चन कवर होने वाले हैं। यह जो आपकी 1 से 1.5 घंटे की क्लास रहने वाली है, अगर आप इसको भी पूरा कंप्लीट कर लेते हो तो आपका करेंट अफेयर कहीं नहीं जाने वाला। और इसी के साथ में अगर आप अदर किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसके लिए भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी। साथ ही साथ अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए। हमने आपको ई बुक के बारे में बता दिया है, चलिए क्वेश्चनों को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन है आपका 51 नंबर का, खेलो इंडिया विंटर गेम के तीसरे संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है। खेलो इंडिया विंटर गेम के तीसरे संस्करण का आयोजन होगा आपके जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, और इसमें आपसे पूछा गया है निम्न में से कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का नया सदस्य बन गया है। तो यह बन गया है कांगो देश। कौन सा देश बन गया है? कांगो देश आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है गणित के क्षेत्र में सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार एबल पुरस्कार 2023 किसे सम्मानित किया गया है। एबल पुरस्कार 2023 मिला है लुइस केफरलेली को। किसको मिला है? लुइस केफरलेली को मिला है। अगला क्वेश्चन, संयुक्त सामरिक एयरलिफ्ट द्विपक्ष अभ्यास कोप इंडिया किन दो देशों की वायुसेना के बीच आयोजित हुआ। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका और भारत। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है, अभी हाल ही में वार्षिक ग्रेमी अवार्ड के कौन से संस्करण का आयोजन किया गया है। 65वें संस्करण का आयोजन किया गया है ग्रेमी अवार्ड के। डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर बुक का नाम देखिएगा, बहुत लंबी बुक है लेकिन आपको क्या याद रखना है, द प्रायोरिटी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो इस पुस्तक के लेखक है आपके मेघनाथ देसाई। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा आपका यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 56 के बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 57, और इसमें आपसे पूछा गया है हाल ही में आयोजित नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप 2023 का खिताब निम्न में से किसने जीता है। तो आइस हॉकी 2023 का खिताब भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल ने जीता है, ITBP। क्या आ जाएगा करेक्ट आंसर? ITBP आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सूर्य किरण सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित होता है। तो भारत और नेपाल के बीच आयोजित होता है सूर्य किरण आपका युद्धाभ्यास। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य में एशिया का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर कारखाना खोला गया है। कर्नाटक राज्य में एशिया का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर कारखाना खोला गया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में गूगल ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता चैटबॉट लॉन्च करने की घोषणा की, इसका क्या नाम होगा। तो इस चैटबॉट का नाम होगा बार्ड। क्या हो जाएगा? ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बार्ड। अगला क्वेश्चन देखिए, अभी हाल ही में किसे गोल्डन बुक अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। गोल्डन बुक अब 2023 का सम्मानित किया गया है राखी कपूर। क्या आ जाएगा आपका? राखी कपूर यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय युवा दिवस 2023 कब मनाया जाता है। आप सभी जानते होंगे 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। किसकी याद में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए, देखते हैं आपकी तैयारी कैसी है। अगला क्वेश्चन देखिए, आर्टेमिस समझौता निम्न में से किसकी शांतिपूर्ण खोज से संबंधित एक समझौता है। तो यह चंद्रमा से संबंधित एक समझौता है, मून से संबंधित है। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, दुनिया का पहला जीवित विरासत वाला विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया गया है। तो यह पश्चिम बंगाल में किया गया है, वेस्ट बंगाल में दुनिया का पहला जीवित विरासत वाला विश्वविद्यालय ओपन किया गया है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश में ICC T20 महिला विश्व कप खेला जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह आ जाएगा दक्षिण अफ्रीका। कहाँ खेला जाएगा? दक्षिण अफ्रीका में खेला जाएगा, देश में दक्षिण अफ्रीका में ICC T20 महिला विश्व कप। नेक्स्ट, स्वास्थ्य का आधार अधिकार विधेयक लाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है। तो देखिए, स्वास्थ्य का अधिकार यह विधेयक लाने वाला भारत का पहला राज्य है राजस्थान। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विक्टोरी ऑफ सिटी नामक उपन्यास निम्न में से किसके द्वारा लिखा गया है। तो यह लिखा गया है सलमान रुश्दी के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महिला प्रीमियर लीग 2023 का उद्घाटन किस शहरों में आयोजित किया जाएगा। तो मुंबई में इसका आयोजन किया जाएगा, WWPL, ध्यान में रखिएगा महिला प्रीमियर लीग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विमानन सुरक्षा रैंकिंग में भारत
को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। विमानन सुरक्षा रैंकिंग में भारत को 55वां स्थान मिला गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन आपको बन सकता है, इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 70। 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम में किस राज्य ने पहला स्थान प्राप्त किया है। 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम में जो पहला राष्ट्र है आपका महाराष्ट्र, महाराष्ट्र ने पहला स्थान प्राप्त किया। देखिए मैंने आपको बताया था खेलो इंडिया यूथ गेम और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, यहाँ से आपके क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे, इंपॉर्टेंट रहेंगे क्वेश्चन, ध्यान में रखिए। अगला है व्हीलर द्वीप ओडिशा का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है। व्हीलर द्वीप का नाम क्या है, APJ अब्दुल कलाम द्वीप है, आपका स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट रहेगा यह। अगला क्वेश्चन है भारत का पहला राष्ट्रीय मेट्रो रेल ज्ञान केंद्र निम्न में से किस स्थान पर बनाया गया। भारत का पहला राष्ट्रीय मेट्रो ज्ञान ट्रेन जो है यह दिल्ली में बनाया जाएगा, यह ज्ञान केंद्र याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला है डिजिटल करेंसी बिटकॉइन को कानूनी मान्यता देने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन सा बन गया है। तो डिजिटल करेंसी बिटकॉइन को मान्यता देने वाला जो देश बन गया है अफ्रीकी पहला देश है और यह है मध्य अफ्रीकी गणराज्य, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यूनेस्को द्वारा निम्न में से किसे शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो यूनेस्को द्वारा एंजेला मर्केन को शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन किस भारतीय नौसेना कमान ने अपतटीय सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान का आयोजन किया गया है। प्रस्थान का आयोजन किया गया है ऑप्शन नंबर सी पश्चिमी नौसेना वेस्टर्न नेवी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन तर्कश नामक युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के मध्य होगा। देखिए तर्कश युद्ध अभ्यास आपका होता है भारत और अमेरिका के बीच, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट है आपका निम्न में से कौन सा देश पहली बार अपने अंतरिक्ष मिशन पर एक महिला अंतरिक्ष यात्री भेजने वाला है। देखिए यह जो आपका सऊदी अरब है यह एक ऐसा देश है जो अपने अंतरिक्ष मिशन पर एक महिला को अंतरिक्ष यात्री बनाकर भेजने वाला है, तो सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत की पहली AC इलेक्ट्रिक डबल डेक्कन बस निम्न में से किस शहर में शुरू की जाएगी। तो डबल डेक्कन बस भारत की पहली और यह भी कौन सी AC इलेक्ट्रिक बस रहेगी, मुंबई में शुरू की जाएगी, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अभी हाल ही में प्रसाद योजना के तहत कितने तीर्थस्थलों का चयन किया गया है। तो प्रसाद योजना के तहत कुल 4 तीर्थस्थलों का चयन किया गया है, सी करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है कोल्लम जिला पंचायत ने 2021-22 के वित्तीय वर्ष के लिए राज्य में सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत के लिए एक राजस्व ट्रॉफी जीती है। कोल्लम किस राज्य का जिला है, तो कोल्लम जो है यह केरल राज्य का जिला है, ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्रवासी भारतीय सम्मान 2023 किसे सम्मानित किया गया है। तो प्रवासी भारतीय सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है राज सुब्रमण्यम को, तो ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए भारत की पहली नाव बेसिन किस राज्य में बनाई गई है। भारत की पहली नाव बेसिन कर्नाटका राज्य में बनाई गई है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए निम्न में से किसने 2022 का सर्वश्रेष्ठ फीफा खिलाड़ी अवार्ड जीता है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिए, किसने 2022 का सर्वश्रेष्ठ फीफा खिलाड़ी अवार्ड जीता है। तो इसका करेक्ट आंसर है लियोनेसी मेसी ने, किसने जीता है, लियोनेसी मेसी ने जीता है। अगला क्वेश्चन है संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास कांजिंद भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाएगा। देखिए आप इसको नाम से ही ध्यान में रखिए, काजिंद लिखा है तो यह किसके किसके साथ होगा, भारत और कजाकिस्तान के साथ होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए चंद्रयान 3 मिशन को कितनी लागत के साथ तैयार किया गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, यहाँ पर लागत पूछी गई है चंद्रयान 3 की जो थी आपकी 615 करोड़, आपका जो करेक्ट आंसर है बी हो जाएगा। चंद्रयान 3 से आपको 1 से 2 क्वेश्चन पक्का करंट अफेयर का आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। नेक्स्ट है निम्न में से किस राज्य ने पूर्वोत्तर का पहला संपीड़ित बायोगैस संयंत्र का अनावरण किया है, ऑप्शन नंबर ए असम आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। कि पूर्वोत्तर का यह पहला संपीड़ित बायोगैस संयंत्र है जो कि असम में बन रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए मंदिरों के अनुष्ठान कार्यों के लिए रोबोट हाथी को शामिल करने वाला पहला राज्य बन गया है केरला, सबसे ज्यादा हाथी भी इधर ही होते कहा, केरला में। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में से किस राज्य में भारत का पहला एयर कूल्ड कंटेनर शुरू किया गया है। तो भारत का पहला एयर कूल्ड कंडेंसर शुरू किया गया है आपके झारखंड में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह निम्न में से किसे पोर्टल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। पोर्टल पुरस्कार 2023 से स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को यहाँ पर पुरस्कृत किया गया, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा।
90 नंबर का क्वेश्चन है आपको, ओ वान थुआंग निम्न में से किस देश के नए राष्ट्रपति बन गए हैं? तो ओ वान थुआंग वियतनाम के राष्ट्रपति बन गए हैं, ये यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों लगभग हम सेंचुरी पे पहुंचने वाले हैं, आप पेशेंस बना के देखिएगा, हाफ सेंचुरी पे हम पहुंच ही गए हैं लगभग, तो पूरे क्वेश्चन भी आपके हो जाएंगे। अगर आप यहाँ तक पहुंच गए तो आगे के भी क्वेश्चन देख लीजिए, क्योंकि यहाँ से आपके क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाले अगर करंट अफेयर की बात की जाए तो। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में 7वें अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है? तो यह मध्य प्रदेश में किया गया, यहाँ पर राज्य की बात की थी, मध्य प्रदेश आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सैमसंग कंपनी द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा सेमी कंडक्टर चिप निर्माण केंद्र कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो देखिए सैमसंग कंपनी के द्वारा दक्षिण कोरिया में, कहाँ पर? दक्षिण कोरिया में दुनिया का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर चिप निर्माण केंद्र खोला जाएगा, ध्यान में रखिएगा किसकी बात की गई है, सेमीकंडक्टर चिप निर्माण केंद्र की। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस स्थान पर जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2023 नामक अभियान चलाया गया है? देखिए कैच द रेन किसने स्टार्ट किया था, हमने डिस्कस किया था द्रौपदी मुर्मू भारत की वर्तमान राष्ट्रपति में, और कहां पर किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसके द्वारा दुनिया का पहला बॉस बैरियर लगाया गया है? दुनिया का पहला बॉस बैरियर भारत के द्वारा लगाया गया है, ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर बॉस बैरियर की कभी भी बात आती है, भारत उसमें फर्स्ट स्थान पे रहेगा। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से किसने हाल ही में संतोष ट्रॉफी अवार्ड जीता है? ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे, ट्रॉफी और खेल से संबंधित क्वेश्चन एनसीएल में बनते हैं, और करेंट अफेयर का क्वेश्चन है यहाँ पे कि संतोष ट्रॉफी, तो संतोष ट्रॉफी जीती है कर्नाटका ने, यहाँ पर आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में जारी किए गए चुनावी लोकतंत्र सूचकांक क्या है? आपका चुनावी लोकतंत्र सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? भारत को 108वां स्थान मिला है चुनावी लोकतंत्र सूचकांक में, तो भारत का स्थान कौन सा रहेगा, 108। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने 2025 तक भारत का पहला हरित राज्य बनने का लक्ष्य रखा है? हिमाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो 2025 तक भारत का पहला हरित राज्य बन जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, ट्रोपेक्स 2023 नामक सैन्य अभ्यास कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? ट्रोपेक्स 23 अरब सागर में आयोजित किया जाएगा, तो अरबन सिंह जो आपका अरबियन सिंह है, यह करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अभी तक कितने देश चंद्रमा पर सफलतापूर्वक पहुंचने में कामयाब हुए हैं? तो अभी तक कुल जो है आपके 4 देश कामयाब हुए हैं। देखिए अभी तक यहाँ पर क्या पूछा है, अभी तक कितने देश चंद्रमा पर सफलतापूर्वक पहुंचने में कामयाब हुए, तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या रहेगा, 4 देश, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आप सभी जानते होंगे इंडिया जो है 4थे नंबर का देश है, इससे पहले अमेरिका, रूस, कनाडा और चाइना, यह भी थे, सॉरी अमेरिका, रूस, चाइना और चौथा आ जाएगा आपका भारत। अगला क्वेश्चन है आपका, तुर्की देश का नया नाम क्या हो गया है? तुर्की देश का नया नाम तुर्की हो गया है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। मैं आपको और बताना चाहूँगा कि आप सीरियस वे में क्वेश्चनों की अच्छे से प्रैक्टिस करना चाहते हो, ईबुक की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जितने भी टॉपिक और जितने भी क्वेश्चन रहेंगे सारे इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि आपको जितने भी टॉपिक से क्वेश्चन बनना है सारे क्वेश्चनों को उसमें इंक्लूड किया है। अगर आप एक सीरियस वे में इन 8 दिनों में अपनी प्रिपरेशन को बेहतर करना चाहते हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली आपके लिए ई बुक। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अगले क्वेश्चनों को भी। यहाँ पर देखिए आपका 101 नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? सेबी के वर्तमान अध्यक्ष है माधवी पुरी बूच, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मेटावर्स में स्थापित करने वाला दुनिया का पहला बैंक कौन सा हो गया है? तो यह बैंक हो गया है जेपी मॉर्गन बैंक। कौन हो गया है? जेपी मॉर्गन बैंक, जो कि अमेरिका में है। अगला क्वेश्चन है आपका, अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस 2023 कब मनाया गया है? मिर्गी दिवस आपका मनाया जाता है 13 फरवरी को, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, शेख मोहम्मद बिन अल्दुम, इनका नाम इतना खतरनाक रहता है कि बोलने में भी कठिनाई होती है। देखिए चलो क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी को अभी हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए? तो भैया ये कतर के प्रधानमंत्री है, मोहल्ले के बराबर इनका नाम है, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से किसने प्रिटिजर आर्किटेक्चर अवार्ड 2023 जीता है? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपका, सर डेविन चिब्लमफील्ड ने जीता है, तो ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, G7 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, G7 शिखर सम्मेलन 2023 का जापान में होगा। G20 का आयोजन कहाँ हुआ था, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते, रामचंद्र पोलेट निम्न में से किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं?
रामचंद्र पोलैंड, यहाँ पर नेपाल के राष्ट्रपति चुने गए, तो नेपाल को भी भैया यहाँ पर राम मिल गए, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफार्म का उद्घाटन किया गया है? दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफार्म कर्नाटका में है, तो डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। यूपी का नाम अब हट चुका है, कर्नाटका यहाँ पर आ चुका है। अगला क्वेश्चन 109 नंबर का, अभी हाल ही में किस राज्य ने नई खेल नीति 2023 को मंजूरी दी है? उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसने नई खेल नीति 2023 को मंजूरी दे दी है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष का शुभारंभ किया है? तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष का यहाँ पर शुभारंभ किया है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, हिंद महासागर क्षेत्र में हाल ही में बहुपक्षीय अभ्यास ला परोग 2023 का कौन सा संस्करण होगा? तो ला परोग 2023 का थर्ड यहाँ पर तीसरा संस्करण है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें आपसे क्या पूछा गया है, फीफा वर्ल्ड कप ट्रॉफी ने पर्दा उठाने वाली सॉरी फीफा वर्ल्ड कप ट्रॉफी से पर्दा उठाने वाली पहली ग्लोबल अभिनेत्री कौन बन गई है? तो यह बन गई है दीपिका पादुकोण, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन एशिया की पहली महिला लोको पायलट बन गई है? एशिया की पहली महिला लोको पायलट बन गई है सुरेखा यादव, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑस्कर पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसे दिया गया, किसने जीता है या किसे दिया गया है? तो बिल निधि को दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 115 नंबर का, पुरानी पेंशन योजना को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? राजस्थान, यहाँ पर कांग्रेस की गवर्नमेंट है जिन्होंने यहाँ पर पुरानी पेंशन योजना को शुरू कर दिया है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किसे व्यास सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया था? ऑप्शन नंबर आपका ज्ञान चतुर्वेदी बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 2022 आप देख रहे होंगे लेकिन ध्यान में रखिएगा, लास्ट व्यास सम्मान 2022 में ज्ञान चतुर्वेदी को ही मिला था और व्यास सम्मान जो एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है आपका करेंट अफेयर में, इसलिए आपको 2022 के वही क्वेश्चन लिए गए जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो और ज्ञान चतुर्वेदी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, नाटो द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा साइबर रक्षा अभ्यास क्या है, इसका नाम लास्ट शील्ड 2023 कहाँ आयोजित किया गया है? तो यह आयोजित किया गया आपके तेलिन में, तेलिन कहाँ है, एस्टोनिया में है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश ने SAAFF 2023 प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है? तो यह प्रतियोगिता भारत ने की है आयोजित, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किसके द्वारा दुनिया का पहली सैंड बैटरी स्थापित की गई? दुनिया की पहली सैंड बैटरी फिनलैंड के द्वारा स्थापित की गई है, तो यहाँ की जो प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन है आपका, मुख्यमंत्री गोवंश मोबाइल चिकित्सा योजना किस राज्य ने शुरू की है? छत्तीसगढ़ ने शुरू की है मुख्यमंत्री गोवंश चिकित्सा मोबाइल योजना। मोबाइल का मतलब यहाँ पर ये होता है कि जहाँ भी गाय होंगी वहाँ खुद यह गाड़ी जाएगी और उनका इलाज करेगी, ऐसा नहीं है कि मोबाइल का मतलब आपका फोन हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा गुफाओं तक तैरने वाले पहले व्यक्ति कौन बन गए? तो गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा गुफाओं तक कहाँ तक तैर रहे भैया, गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा गुफाओं तक, और यह है आपके कृष्णा प्रकाश। कौन सा प्रकाश है? कृष्णा प्रकाश, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, एक विधायक एक पेंशन योजना किस राज्य सरकार ने लागू की है? एक विधायक एक पेंशन योजना पंजाब सरकार ने लॉन्च की है, तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा यह आपके लिए। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने अफ्रीकी देशों के साथ मिलकर किस स्थान पर एफिंडेक्स 2023 नामक सैन्य अभ्यास किया है? इसका करेक्ट आंसर आपका महाराष्ट्र हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है आपका, निम्न में से किसे संगीता कथा कलानिधि पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया है? तो संगीता कलानिधि पुरस्कार 2023 आपको बॉम्बे जयश्री को चुना गया है, यहाँ पर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, चांगी हवाई अड्डे का विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा 2023 घोषित किया गया है, यह किस देश में है? तो चांगी हवाई अड्डा है आपके सिंगापुर में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, नाटो शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो यह आयोजित किया गया है आपके, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, नाटो शिखर सम्मेलन का ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, विलेनिन्स में आयोजित किया जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस राज्य ने स्टेचू ऑफ नॉलेज की स्थापना को मंजूरी दे दी है? तो यह महाराष्ट्र ने मंजूरी दी है स्टेचू ऑफ नॉलेज योजना को। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस देश में अभी हाल ही में घोड़ों का त्यौहार घोड़े यात्रा मनाया गया है? तो घोड़े यात्रा जो मनाया गया है यह मनाया गया है नेपाल में, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा आपका, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। अभी हाल ही में कौन ब्रिक्स बैंक के नए सदस्य के रूप में शामिल हुए हैं?
तो अभी हाल ही में ध्यान में रखिएगा मिस्र ऐसा देश है जो इसमें शामिल हुआ है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका लखपति दीदी योजना किस राज्य की है, तो यह दीदी योजना है आपकी उत्तराखंड की। कौन सी? लखपति दीदी योजना उत्तराखंड राज्य की है। मध्य प्रदेश में कौन सी योजना चल रही है? लाडली बहना योजना चल रही है, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लिए, संयुक्त राष्ट्र 2023 जल सम्मेलन का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस देश में किया गया है? संयुक्त राष्ट्र 2023 जल सम्मेलन का उद्घाटन अमेरिका में किया गया है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किसने महिला प्रीमियर लीग 2023 का खिताब जीता है? तो इसके लिए आपका करेक्ट आंसर रहेगा मुंबई ने जीता है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ से आपको क्वेश्चन बन रहा है कि आजाद नामक पुस्तक निम्न में से किसकी आत्मकथा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ध्यान में रखिएगा, गुलाम नबी आजाद जो है इनकी आत्मकथा है आजाद। क्या है? आजाद जो है गुलाम नबी आजाद की आत्मकथा है। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, ध्यान में रखिएगा स्टार लगा के इसको, KV सांझी को यहाँ पर नाबार्ड के नए अध्यक्ष के रूप में स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, पहला अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम संचार सम्मेलन निम्न में से किस शहर में आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन नंबर बी है। क्वेश्चन नंबर 136 136 नंबर का क्वेश्चन है आपका, पहला अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम संचार केंद्र सम्मेलन निम्न में से किस स्थान पर आयोजित किया गया है? इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपका नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस देश ने दुनिया की पहली तरल हाइड्रोजन संचालित नौका शुरू की है? तो दुनिया की पहली तरल हाइड्रोजन संचालित नौका है जो कि नॉर्वे ने शुरू की है, सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय गणराज्य के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो देखिए आपका स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला क्वेश्चन देखिए, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, मैंने आपको पहले भी इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किया था, 2023 का आयोजन किस राज्य के द्वारा किया गया है? यह उत्तर प्रदेश यूपी के द्वारा किया गया, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, तुर्की का नया नाम क्या है? तुर्की, तो तुर्की में भारतीय सेना के द्वारा भूकंप पीड़ित के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है? ऑपरेशन दोस्त चला गया है, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, निम्न में से किसके द्वारा न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम का नामक योजना शुरू की गई है? तो देखिए, न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम जिसको कि NILP के नाम से भी जाना जाता है, यह केंद्र सरकार के द्वारा स्टार्ट की गई, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो आपको पता होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, दो चार क्वेश्चन ऐसे इसमें इंक्लूड हो गए। अगला है, कजाकिस्तान की राजधानी नूर सुल्तान नामक का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तो देखिए, कजाकिस्तान की राजधानी नूर सुल्तान का नाम अस्ताना कर दिया गया, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आपके आ सकता है। निम्न में से कौन 100% विद्युतकरण रेलवे नेटवर्क वाला पहला राज्य बन गया है? तो 100% विद्युतीकरण वाला पहला राज्य बन गया है हरियाणा रेलवे के लिए। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 145, तो यहाँ पे क्या है, 2025 में प्रतिष्ठित विश्व संरक्षण कांग्रेस WCCU की मेजबानी कौन सा देश करेगा? संयुक्त अरब अमीरात करेगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है, सिलनेक्स 2023 नामक युद्धाभ्यास भारत और निम्न में से किस देश के बीच होगा? तो सिलनेक्स से याद रखिएगा, अगर युद्धाभ्यास में आता है तो अधिकतर नाम जो होते हैं दो देशों को मिलकर यहाँ पे बने होते हैं, सिलनेक्स से श्रीलंका और इंडिया, क्या आ जाएगा, श्रीलंका और इंडिया। अगला क्वेश्चन देखिए, अभी हाल ही में बरलोई पेंटिंग को भौगोलिक संकेतक GI टैग मिला है, ये किस स्थान से संबंधित है? तो देखिए, बसोहली पेंटिंग जो है आपकी यह संबंधित है जम्मू कश्मीर से, जम्मू यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी की गई इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के अनुसार किस राज्य को पहला स्थान मिला है? तो कर्नाटका एक ऐसा राज्य है जिसको इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में पहला स्थान मिला है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो देखिए, इस मेले का नाम आहार 2023 भी है और इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए नई दिल्ली आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन 150 नंबर का है, निम्न में से क्रिकेट में
अंपायरिंग करने वाली पहली महिला कौन बन गई है? तो मारिया डेन जो है क्रिकेट में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला बन गई है। देखिए यहाँ पर आपके लिए एक मोटिवेशन कोट है कि हर कोशिश में सफलता नहीं मिल पाती, लेकिन हर सफलता का कारण कोशिश जरूर होता है। तो आप अपनी कोशिश को जारी रखिएगा, आप पूरी मैराथन क्लास को कंप्लीट कीजिएगा और साथ में आपकी स्टडी को और भी बेहतर कीजिएगा। नोबेल पुरस्कार दो जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो देखिए नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय थे रविंद्रनाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन देखिए, वायु प्रदूषण निगरानी यंत्र टेम्पो किसने लॉन्च किया है? तो यह संयंत्र नहीं, एक यंत्र है जो कि है टेम्पो, और यह नासा ने लॉन्च किया है। नासा कहाँ की एजेंसी है? तो नासा है आपकी अमेरिका की। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश ने ओरियन नामक बहुराष्ट्रीय अभ्यास शुरू किया है? तो ओरियन नामक बहुराष्ट्रीय अभ्यास फ्रांस के द्वारा स्टार्ट किया गया, ये करेक्ट आंसर होता है आपका। अगला क्वेश्चन देखिए, सुख आश्रय नामक योजना किस राज्य से संबंधित है? यह हिमाचल प्रदेश से संबंधित है, तो हिमाचल प्रदेश से संबंधित है सुख आश्रय नामक योजना। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसे अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? करेक्ट आंसर रहेगा आपका कल्याणपुरी राधाकृष्ण राव, जिसको कि अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा यहाँ, इसमें पूछा गया है अभी हाल ही में फिनलैंड नाटो का कौन सा सदस्य बन गया है? तो फिनलैंड में पहले 30 थे, अभी 31 सदस्य देश हो गए, फिनलैंड 31वां सदस्य देश बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे मेकल्प आदि शेषिन पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो उत्साह पटनायक को यह से सम्मानित किया गया है, बी करेक्ट आंसर होता है। अगला क्वेश्चन होता है आपका, निम्न में से किस राज्य ने पानी की कमी से निपटने के लिए पहली बार जल बजट बनाया है? तो पहली बार जल बजट घोषित किया है केरल ने, ए बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा और इम्पोर्टेंट रहेगा क्योंकि पहला जल बजट है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे हाल ही में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो दलाई लामा को यहाँ पर रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस देश की एयरलाइंस ने दुनिया का पहला रोबोटिक चेन इन असिस्टेंट लॉन्च किया है? ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा, संयुक्त अरब अमीरात यूएई को यह जो है मिलता है। अगला क्वेश्चन देखिए, गोल्डन मैन पर्यावरण पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन नंबर बी आपका अब्दुल सादिर यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। गोल्ड मैन पर्यावरण पुरस्कार 2023 किसे मिला है? अब्दुल सादिर को मिला है, करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, डिंग लिरेन के पहले विश्व संतरण चैंपियनशिप बन गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है चीन ऐसा देश है जो कि डिंग लिरेन के पहले विश्व संतरण चैंपियन बन गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत सरकार द्वारा युद्धग्रस्त यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों को और छात्रों को भारत लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो ऑपरेशन गंगा चलाया गया था यूक्रेन से भारतीयों को वापस लाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो आप सभी जानते होंगे योमेश चंद्र बनर्जी थे, स्टैटिक जीके का क्वेश्चन यहाँ पे आ गया है। अगला क्वेश्चन है, 2023 में मशीन केन सी शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो दुबई में आयोजित किया गया, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, मशीन सम्मेलन। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस दिन विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है? विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट रहेगा, अट्टुकल पोंगल उत्सव कहाँ पर मनाया गया? अट्टुकल पोंगल उत्सव तिरुवनंतपुरम जो कि केरला की कैपिटल है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स WPFI 2023 भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो WPF 2023 में भारत को स्थान मिला है 161, इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, अजय बांगा को विश्व बैंक के कौन से अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? अजय बांगा को विश्व बैंक के 14वें अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस देश ने अपना स्वयं का हिट इंडेक्स लॉन्च किया है? तो अपने स्वयं का हिट इंडेक्स भारत ने लॉन्च किया है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस राज्य में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना की गई है? असम एक ऐसा राज्य है, भारत का पहला राज्य बन चुका है जो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थापित करेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है और इसमें आपसे पूछा गया है, निम्न में से किस दिन सीमा सड़क संगठन का स्थापना दिवस मनाया जाता है? तो 7 मई को सीमा सड़क संगठन का स्थापना दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, किस राज्य ने प्रसिद्ध पारंपरिक नृत्य गरबा को यूनेस्को की अमृत सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल करने के लिए नामित किया है?
तो गरबा कहाँ का है? गरबा है गुजरात का, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की पहली हाई स्पीड रेल लाइन का निर्माण कहाँ किया जाएगा? भारत की पहली हाई स्पीड रेल लाइन का निर्माण किया जाएगा मुंबई से अहमदाबाद। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले बनाने के लिए भारत का पहला सेमीकंडक्टर संयंत्र क्या? भारत का पहला सेमीकंडक्टर संयंत्र कहाँ खुलेगा? तो ध्यान में रखिएगा, भारत का पहला सेमीकंडक्टर संयंत्र आपका धोलेरा गुजरात में खुलेगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, इस वर्ष खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023 का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा तीसरा संस्करण आयोजित किया गया है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस देश में 42वां सेनेक शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है? तो इंडोनेशिया में किया गया है 42वां सेनेक शिखर सम्मेलन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लॉन्च की गई पुस्तक माई लाइफ एज अ कामरेड किसकी आत्मकथा है? तो कामरेड जो है यह किसकी आत्मकथा है? के शैलेजा की आत्मकथा है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, रेलवे सुरक्षा बल द्वारा महिलाओं तथा बच्चों को तस्करों से बचाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो यह ऑपरेशन था ऑपरेशन आहट। कौन सा ऑपरेशन था? ऑपरेशन आहट, बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। इंपॉर्टेंट है यह भी, ध्यान में रखिएगा। वैसे तो ये स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है, अब आपको नहीं मिलेगा स्टैटिक जीके का। अगला है, निम्न में से किसे फिक्शन पुलित्जर पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है? तो यह किया गया हर्नान डियाज को और बारबारा किन्सोलोवर को। तो यहाँ पर ध्यान में रखिए, बारबारा किन्सोलोवर और इसी के साथ में क्या आ जाएगा? हर्नान डियाज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, तुंगनाथ मंदिर को हाल ही में राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने का निर्णय किया गया, यह घोषणा किस राज्य में स्थित है? तो देखिए, तुंगनाथ मंदिर स्थित है आपके उत्तराखंड में, इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसने लॉरेंस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023 का खिताब जीता है? लियोनेस मेसी ने जीता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, और यह स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे, छोड़िए इसको। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस राज्य में भारत की पहली पोस्ट टैक्सी शुरू की गई है? तो भारत की पहली पोस्ट टैक्सी शुरू की है उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होता है। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर निकल के आता है कि भारत का पहला ड्रोन स्कूल कहाँ पर खुलेगा? भारत का पहला ड्रोन स्कूल खुलेगा ग्वालियर एमपी में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ध्यान में रखिएगा, आपको एनसीएल के एग्जाम में क्वेश्चन जरूर बनेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सेलेसेड्रो कोरेप का हाल ही में गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया, यह किस देश के है? तो देखिए, गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार मिला है एलेसेट्रा कोरेप को और यह है ब्राजील के। तो आपका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ब्राजील करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एशिया का पहला मोक्सी लेजर किस स्थान पर लॉन्च किया गया है? एशिया का पहला मोक्सी लेजर नई दिल्ली में लॉन्च किया गया, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? तो देखिए, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन मिल जाता है, भारत का पहला वायस बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण बैंकिंग ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यह लॉन्च किया गया है सिटी यूनियन बैंक, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, सिटी यूनियन बैंक द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में कुंभम अंगूर को जीआई टैग दिया गया है, यह किस राज्य में पाया जाता है? तो यह अंगूर जो है यह तमिलनाडु में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। कुंभम अंगूर को जीआई टैग मिला है, कहाँ पाया जाता है? तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने हाल ही में प्रतिष्ठित संतो कवा मानवाधिकार पुरस्कार जीता है? तो सोनम वांगचुक ने जीता है। सोनम वांगचुक के बारे में आप जानते होंगे, कहा जाता है ऐसा मैं नहीं कह रहा, लेकिन ऐसा कथित है कि इनके ऊपर जो है थ्री इडियट नामक पिक्चर बनी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है? भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी है, सभी जानते होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, जो कि आपका करेंट अफेयर का, स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो यह पणजी में हुआ है। पणजी कहाँ है? तो गोवा की राजधानी है पणजी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसे लता दीनदयाल मंगेशकर पुरस्कार सम्मानित किया गया? आशा भोसले को लता दीनदयाल मंगेशकर पुरस्कार सम्मानित किया गया, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल का आयोजन किस शहर में शुरू हुआ है? तो एशिया का पहला है, ध्यान में रखिएगा, इसलिए इम्पोर्टेंट बन जाता है, और यह आपके मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश के मंदसौर में एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा एनसीएल के एग्जाम के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, थावे महोत्सव निम्न में से किस राज्य में आयोजित किया गया है? थावे महोत्सव बिहार में आयोजित किया गया है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए,
हाल ही में जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार निम्न में से कौन सा शहर दुनिया का सबसे महंगा शहर बन गया? दुनिया का सबसे महंगा शहर बन गया भैया न्यूयॉर्क, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, लगभग हमारे क्वेश्चन कंप्लीट होने ही वाले हैं, थोड़ा पेशेंस और बना के रखिएगा ताकि आपका करेंट अफेयर यहाँ से पूरा क्लियर हो जाए। क्या अगला क्वेश्चन कि हाल ही में जारी की गई विश्व बैंक सदर सूचकांक में भारत को कौन से स्थान प्राप्त हुआ है? देखिए विश्व बैंक रसद सूचकांक में भारत को स्थान मिला है 38, 38वां बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम की शुरुआत कब की गई थी? तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम की शुरुआत 2020 में की गई थी। मैं इसीलिए शुरू से कहते आ रहा हूँ यह क्वेश्चन जो आपके लिए इम्पोर्टेंट थे। चलिए अब देखिए यहाँ पर आपके लिए एक मोटिवेशन कोट है जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, आपकी तैयारी में चार चांद लगाएगा। मुकाबला ऐसा करो कि अगर हार भी जाओ तो उसकी जीत से ज़्यादा तुम्हारी हार के चर्चे हो। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार थी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसे वीरता पुरस्कार पाने वाली पहली महिला वायुसेना अधिकारी बन गई है? वीरता पुरस्कार पाने वाली पहली वायुसेना अधिकारी है दीपिका मिश्रा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली पहली महिला जुजुत्सु खिलाड़ी बन गई है? तो पहली महिला जुजुत्सु खिलाड़ी बन गई है सबकत मलिक, कौन बन गई है? सबकत मलिक, ए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, संगीत अकादमी द्वारा संगीता कलानिधि पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है, बॉम्बे जयश्री को सम्मानित किया गया, हमने डिस्कस किया है इसको पहले भी। अगला क्वेश्चन देखिए, IIFA अवार्ड 2023 निम्न में से किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड मिला है? तो ऋतिक रोशन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड मिला है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अभी हाल ही में आयोजित किया गया कावा महिला चैलेंज कप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो CAVA कावा महिला जो चैलेंज कप है इसका खिताब जीता है भारत ने, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोला अहमद क्या है? अगला क्वेश्चन आपका, बोला अहमद टिबुन को हाल ही में किस देश का राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया है? तो ऑप्शन नंबर डी नाइजीरिया के राष्ट्रपति बने, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, लोकसभा के प्रथम महासचिव कौन थे? तो सुनीता श्रीवास्तव थी। यह क्वेश्चन आपका करंट अफेयर का नहीं है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य द्वारा ग्रामीण आवास योजना मो घर शुरू किया गया? तो मो घर योजना ओडिशा की है, कहाँ की है? मेरा घर या मो घर योजना ओडिशा की। अगला क्वेश्चन देखिए, आयुष मंत्री श्री सर्वानंद सोनेवाल, देखिए आयुष मंत्रालय किसके पास है? सर्वानंद सोनेवाल के पास है। अन्य कौन से मंत्रालय इनके पास? तो देखिए आयुर्वेदिक मंत्रालय, योगा एवं प्राकृतिक चिकित्सा मंत्रालय, यूनानी मंत्रालय, सिद्धा मंत्रालय, होम्योपैथिक मंत्रालय, इसी के साथ में आयुष मंत्रालय। तो इतने मंत्रालय जो है सर्वानंद सोनेवाल के पास है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस टीम ने IPL 2023 का खिताब जीता था? चेन्नई सुपर किंग ने IPL 2023 का खिताब जीता था। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसे 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो दामोदर मोजो के 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस स्थान पर खीर भवानी मेला 2023 का आयोजन किया गया? जम्मू कश्मीर में लगता है खीर भवानी मेला, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक्सपोसेट नामक भारत का पहला पोल्ट्रीमेट्री मिशन किस संस्था के द्वारा जारी किया जा रहा है या किस संस्था के द्वारा विकसित किया जा रहा है? तो देखिए इसका नाम आ जाएगा आपका इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो की स्थापना कब हुई थी अगर आप जानते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विदेश मंत्रालय द्वारा तालिबान के कब्जे वाले अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया गया था, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अजय 2 योगी आदित्यनाथ नामक पुस्तक निम्न में से किसके द्वारा लिखी गई है? तो शांतनु गुप्ता के द्वारा लिखी गई है अजय 2 योगी आदित्यनाथ पुस्तक। अगला क्वेश्चन देखिए, किस स्पेस एजेंसी ने दुनिया के पहले लकड़ी से बने उपग्रह को लॉन्च किया है? तो यूरोप ने दुनिया के पहले लकड़ी से बने उपग्रह को लॉन्च किया, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, खेलो इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है? तो नई दिल्ली में है खेलो इंडिया का मुख्यालय, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी की गई मर्सन 2023 रिपोर्ट के अनुसार निम्न में से कौन सा शहर भारत का सबसे महंगा शहर है? भारत का सबसे महंगा शहर मुंबई है। अगला क्वेश्चन देखिए, मिस वर्ल्ड 2023 का आयोजन निम्न में से किस देश में किया जाएगा? भारत में किया जाएगा, ध्यान में रखिएगा मिस वर्ल्ड 2023 का आयोजन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य द्वारा राजा नामक ऋषि त्यौहार मनाया जा रहा है? तो राजा नामक ऋषि त्यौहार उड़ीसा के द्वारा मनाया जा रहा है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाता है।
अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए, अभी हाल ही में किसके द्वारा कैरियर बेटल ग्रुप नामक ऑपरेशन किया गया है? तो भारत के द्वारा यह ऑपरेशन किया गया है, बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला राज्यसभा उपसभापति कौन रहे? तो देखिए वायलेट अलवा रही है, पुराना क्वेश्चन है, जाने दीजिए इसको। अगला क्वेश्चन देखिए, वित्तीय वर्ष 2023 में भारत के लिए सबसे बड़ा निवेशकर्ता कौन है? तो सबसे बड़ा निवेशकर्ता 2023 के लिए सिंगापुर, आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला है, अभी हाल ही में किसे सीमा सुरक्षा बल BSF के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? BSF के महानिदेशक है नितिन अग्रवाल, कौन है? नितिन अग्रवाल, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किस देश के वैज्ञानिकों ने कोशिका की मदद से दुनिया का पहला कृत्रिम भ्रूण विकसित किया है? इजराइल ने दुनिया का पहला कृत्रिम भ्रूण विकसित किया है, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसके द्वारा वाई ब्रेक योग एट ऑफिस चेयर नामक प्रोग्राम को शुरू किया गया? ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, केंद्र सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में किस रेलवे स्टेशन ने इज राइट स्टेशन प्रमाण पत्र प्राप्त किया है? तो देखिए इज राइट स्टेशन प्रमाण पत्र जो है गुवाहाटी रेलवे स्टेशन को मिला है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुराष्ट्रीय शांति स्थापना संयुक्त अभ्यास एक्स खान बेग क्या है इसका नाम? बहुराष्ट्रीय शांति स्थापना पुरस्कार अभ्यास एक्स खान क्वेट 2023, तो एक्स खान क्वेस्ट 2023 जो है किस देश में किया जा रहा है? तो यह किया जा रहा है आपके मंगोलिया में, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कानून एवं न्याय मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार किस राज्य मंत्री के पास है? श्री अर्जुन राम मेघवाल के पास है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ग्रह ज्योति नामक योजना किस राज्य के द्वारा लॉन्च की गई है? तो कर्नाटक के द्वारा ग्रह ज्योति नामक योजना को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है आपका, भारत के पहले मोटो जीपी इवेंट की मेजबानी निम्न में से किस देश के द्वारा की जा रही है? तो यह की जा रही है उत्तर प्रदेश के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एशियाई चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय तलवारबाज कौन बन गई है? यह बन गई है भवानी देवी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, समलैंगिक विवाह को वैध कराने वाला पहला बाल्टिक देश कौन बन गया है? पता नहीं ये देश क्या क्या करवाता है, एस्टोनिया यह देश बन गया, ध्यान में रखिएगा, एस्टोनिया यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ग्रीन बिल्डिंग प्रोजेक्ट में निम्न में से किस देश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत देश ही ऐसा है जिसको ग्रीन बिल्डिंग प्रोजेक्ट में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तर भारत के पहले स्किन बैंक का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो उत्तर भारत का पहला स्किन बैंक नई दिल्ली करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के वर्तमान कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कौन है? तो श्री नरेंद्र सिंह तोमर, और यह कौन है? तो यह मध्य प्रदेश के ग्वालियर क्षेत्र से रिलेटेड है, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगला है, पेट्री ओर्पो को हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है? फिनलैंड के प्रधानमंत्री थे पेट्री ओर्पो, और यह किनके स्थान पर आए? सना मारिन के स्थान पर आए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ध्यान में रखिएगा। अगला है, और इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, निम्न में से किसे हाल ही में राष्ट्रीय फोरेंसिक नाइटलैंडिंग 2023 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? अमिता देवरानी को किया गया है नाइटिंगल 2023 पुरस्कार से सम्मानित। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, ग्लोबल लिविटिविटी इंडेक्स 2023 के अनुसार रहने के लिए दुनिया का सबसे योग्य शहर कौन सा है? तो यह ऑस्ट्रिया है, दुनिया का सबसे योग्य शहर रहने के हिसाब से पूछा जाए तो ऑस्ट्रिया है। यहाँ पर देखिए, KIGU 2023 के शुभंकर का नाम क्या है? तो इसके शुभंकर का नाम है जीतू, क्या है? JEETU, जीतू। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय सेना द्वारा खुद को COVID-19 के संस्करण से मुक्त रखने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? तो यह ऑपरेशन चलाया गया था ऑपरेशन नमस्ते, इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी रेल निजी कोच फैक्ट्री का उद्घाटन निम्न में से किस राज्य में किया गया? सबसे बड़ी निजी रेल कोच फैक्ट्री का उद्घाटन तेलंगाना राज्य में किया गया, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, और पुस्तक का नाम है इंडिया फाइनेंस मिनिस्ट्री, तो यह नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह पुस्तक लिखी गई AK भट्टाचार्य के द्वारा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने विस्तृता महोत्सव को मनाया है? तो यह मनाया है जम्मू कश्मीर ने, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ लाइन
सम्मान किया गया। तो देखिए ऑर्डर ऑफ नाइल है और ऑर्डर ऑफ नाइल मिला है जो कि मिस्र का सर्वोच्च सम्मान होता है और यह भारत देश के प्रधानमंत्री को मिला है। तो मिस्र यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में जारी की गई ग्लोबल कॉम्पिटिशनल इंडेक्स 2023 में किसने पहला स्थान प्राप्त किया है? तो डेनमार्क ने। इसमें प्रश्न क्या है आपका, अभी हाल ही में एंकुवेरिन नामक संयुक्त रक्षा अभ्यास का आयोजन भारत और किस देश के मध्य आयोजित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी मालदीप यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो गोरखपुर हरियाणा में स्थापित किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, और यह आपका आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा और इसमें आपसे पूछा गया है, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने किस राज्य की दक्षिण गारो हिल्स गुफा के अंदर मेढक की एक नई प्रजाति की खोज की है? तो यह की है मेघालय के द्वारा। तो यहाँ पर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमने आपके करेंट अफेयर के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आपके NCL 2023 के एग्जाम में सभी को यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए क्लास थी, अगर आपने पूरी क्लास को वॉच किया है तो आपका ये जो करेंट अफेयर वाला टॉपिक है बहुत हद तक क्लियर हो चुका है, आपको यहाँ से बाहर क्वेश्चन नहीं बनेंगे। अगर आप बेहतर तरीके से सभी टॉपिक के क्वेश्चनों का रिविज़न करना चाहते हो, बेहतर तरीके से इन 8 से 10 दिनों की प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगी, वहाँ पर जाके आप उस बुक को परचेज कर सकते हो। हमने यहाँ पर मैंने बताया आपको कि फर्स्ट 250 लोगों के लिए यहाँ पर 70% ऑफ रखा गया है, बहुत कम कर दिया गया है, लगभग 121 रुपये में आपको सारा मटेरियल मिल जाएगा। अगर आप इनरोल होते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी और सभी सेलेक्टेड क्वेश्चन है। मैं जानता हूँ आपको जो सिलेबस आने वाला है और किस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, हर चीज़ को वहाँ पर सेलेक्टेड करके आपके लिए क्वेश्चन बनाए गए, चाहे वह क्वेश्चन आपके मोटर वाहन अधिनियम से संबंधित हो, ट्रैफिक और चिन्ह से संबंधित हो, या इसके अदर एलिमेंट्री नॉलेज से संबंधित हो, सभी टॉपिक को वहाँ पर कवरअप किया गया, यहाँ तक कि उसमें करेंट अफेयर, साइंस, MPGK, स्टैटिक GK सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ जहाँ तक हो सके आप इसको शेयर कर सकते हो, शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।